लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बरार के अरेस्ट होने के बाद अब चारों तरफ कोहराम मच चुका है। खास करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी दुश्मन हैं अब वो लोग जश्न मना रहे हैं। दूसरे तरफ पंजाब के तरन तारण में बताया जाता है 35 करोड़ का ड्रग्स बरामद करा गया है। और दोस्तों किस तरीके से पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी जो कि अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गोल्डी बरार को अमेरिका से कब इंडिया लाया जाएगा और कब उसका पंजाब पुलिस अच्छे तरीके से धुलाई करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करना चाहते हैं आखिरकार किस तरीके से गैंगस्टर गोल्डी बरार को अमेरिका से अरेस्ट करा गया है। क्योंकि दोस्तों पिछले कई महीनों से गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि कनाडा में था और कनाडा में वो बहुत ज़्यादा आतंक जब फैला लिया तो आतंक फैलाने के बाद वो कनाडा छोड़ करके अमेरिका भाग गया। दोस्तों गोल्डी बरार जब कनाडा छोड़ करके अमेरिका गया, अमेरिका जाने के बाद वो कई तरीके से गलत गलत धंधा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकी देता, लोगों से रंगदारी वसूलने का कोशिश करता, साथ ही साथ वो पंजाब पुलिस को भी चैलेंज करता था। और कई दफ़ा गैंगस्टर गोल्डी बरार ने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों को भी जान से मारने का धमकी दिया। यहाँ तक कि नीरज भवाना गैंग के लोग, साथ ही साथ बमबिहा गैंग के लोग जो कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर काफ़ी गुस्साया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों पंजाब पुलिस पिछले कई महीनों से दिमाग लगा रही है कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को किसी भी तरह से अरेस्ट करना है। आज के समय में बताया जाता है गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड है, साथ ही साथ वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन करने के लिए कई तरीके से आतंकवादियों से भी खुद को कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों गोल्डी बरार के बारे में हाल ही में खुलासा हुआ था कि वो कनाडा में बैठा गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा से मिला हुआ है। और लखवीर सिंह के बारे में बताया जाता है वो आतंकी गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा के साथ कनेक्ट है। तो ये जितने भी गैंगस्टर हैं इन लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के साथ है। और कुछ समय पहले NIA की टीम ने भी कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिसका कि कनेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है आतंकवादियों के साथ हो, इसी वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से 10 दिनों की हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली लेकर आई थी और पूछताछ भी करा गया था। हालांकि दोस्तों 10 दिनों का रिमांड अब तक लॉरेंस बिश्नोई का समाप्त नहीं हुआ और इस बीच ही गैंगस्टर गोल्डी बरार को अरेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों गैंगस्टर गोल्डी बरार के अरेस्ट होने के बाद कहीं न कहीं नीरज भवाना गैंग के लोग, बमबिहा गैंग के लोग, ये जितने भी गैंग के लोग हैं ये लोग काफी ज्यादा जश्न मना रहे हैं। दोस्तों पिछले कई महीनों से नीरज भवाना गैंग के लोग, साथ ही साथ बमबिहा गैंग के लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने का एक एक करके कितना ज्यादा साजिश रच लिया जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पिछले कई महीनों से बमबिहा गैंग के लोग जो कि ये सोच रहा था कि जैसे ही पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेशी पर बाहर लेकर आएगी उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई को गोलियों से भून देना है। लेकिन दोस्तों बमबिहा गैंग के लोगों ने जो सपना देखा था उसका सपना जो कि चकनाचूर हो गया। बाद में नीरज भवाना गैंग के लोगों ने भी काफी साजिश रचा लेकिन हर एक साजिश उन लोगों का बस ऐसे समझो कि बेकार निकल गया। तो बाद में नीरज भवाना गैंग के लोग, बमबिहा गैंग के लोग, जिन लोगों ने हार मान लिया, लेकिन दोस्तों बमबिहा गैंग के लोग जो कि पिछले कई महीनों से सोच रहा है कि या तो लॉरेंस बिश्नोई को मारना है या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो भी गुर्गे हैं उन लोगों को किसी भी तरह से मार गिराना है। लेकिन बमबिहा गैंग का लोग जो कि बार बार नाकामयाब निकला और इस बार फाइनली जिस तरीके से गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में अरेस्ट हुआ है अब उसके बाद पंजाब पुलिस भी बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि दोस्तों पंजाब पुलिस को इस बीच इस बात की खबर लगी थी कि गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि अमेरिका में मौज कर रहा है और अमेरिका में बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से वो कम उम्र के लड़कों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ज्वाइन करवाता है और उन लोगों का बहाल करने के बाद उन लोगों के माध्यम से कई तरीके से भारत में गलत गलत हरकत करवाता है। तो कहीं न कहीं भारत के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान थे। और इस बीच राजस्थान पुलिस, दिल्ली NCR, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस, ये जितने भी पुलिसकर्मी हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि दोस्तों इस बीच अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं पंजाब जो कि गैंगस्टरों का अड्डा बन चुका है और पंजाब का मुझे लगता है कि बहुत कम ही घर होगा जिस घर में कि हथियार नहीं होगा। तो पंजाब में हथियार वाला काम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और इस बीच नशा का तस्करी भी पंजाब में बढ़ गया है। अब दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब बताया जाता है पंजाब के तरन तारण में 35 करोड़ का ड्रग्स मिला है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी ये जो ड्रग्स है ये किसी और देश से आया है और ड्रोन के जरिए आया है। बताया जाता है तरन तारण का एक किसान जो कि खेती करने के लिए अपने खेत जाता है तो खेत जाने के बाद वो देखता है कि उसके खेत में कोई एक मशीन गिरा हुआ है। तो स्वाभाविक है वो एक किसान था, उसको क्या पता था कि भाई ये ड्रोन है या फिर क्या है। तो किसान जो कि पुलिस वालों को खबर देता है कि सर एक पाउडर जैसा कुछ है और इसका वजन तकरीबन 5 किलो होगा। तो पंजाब पुलिस वहां पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब जांच पड़ताल करा जाता है तो पता लगता है कि भाई ये तो 35 करोड़ का ड्रग्स है। तो दोस्तों 35 करोड़ का ड्रग्स बरामद करा गया और पंजाब पुलिस का ये कहना है कि ये जो ड्रग्स है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भेजा गया है।
क्योंकि पिछले कई महीनों से देखा गया है कि पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो कि इंडियन कुछ गैंगस्टरों से मिले हुए हैं, और ये जितने भी गैंगस्टर ये लोग पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के गलत गलत हरकत करता है, और इन गैंगस्टरों की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ी वारदात देखने को मिल सकती है। तो पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस भी परेशान है, और खास करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के लोगों ने पूरी तरीके से पंजाब पुलिस को मानो कि एक तरीके से बेवकूफ बना रखा है। और दूसरे तरफ अगर कहा जाए तो पूरे देश के लोग जो कि पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, और सवाल खड़ा करने का वजह है कहीं ना कहीं ये जितने भी गैंगस्टर हैं बस यही लोग। तो इन गैंगस्टरों की वजह से कहीं ना कहीं कई दफा जो कि गलत गलत हरकत देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं आखिरकार किस तरीके से पंजाब पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग काफी खुश हैं। पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि अब 35 करोड़ का ड्रग्स मिला है, तो इस ड्रग्स का जांच पड़ताल करना है। साथ ही साथ जिस ड्रोन के जरिए भेजा गया था दोस्तों, उस ड्रोन के बारे में बताया जाता है वो ड्रोन भी क्रैश हो चुका है, तो उस ड्रोन का भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होगा। साथ ही साथ ये भी पता करा जाएगा कि किस देश से ड्रोन भेजा गया था। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं आखिरकार किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दुश्मन हैं अब वो लोग पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन आज के वर्तमान समय में बताया जाता है बम्बिहा गैंग के लोग हैं। साथ ही साथ नीरज बबाना गैंग के लोग भी कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है, और पिछले कई महीनों से चाहता है बम्बिहा गैंग के लोग जो कि किसी भी तरह से वो लोग लॉरेंस बिश्नोई को टपका दे। और दोस्तों इस तरह से टपकाने के लिए वो लोग कई दफा दिमाग भी लगाता है। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग बहुत ज्यादा क्राइम करता है। दोस्तों ये सोशल मीडिया जो कि लोगों से कनेक्ट होने के लिए बना है, लेकिन ये जितने भी गैंगस्टर होते हैं इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से बस लोगों से जुड़ो और कहीं भी जाओ आराम से गोली से पकड़ के भून दो। तो इस तरह का हरकत ये लोग हमेशा करता ही रहता है। पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे होंगे पंजाब या फिर हरियाणा या फिर राजस्थान, इन तमाम जगहों पर कई तरीके से अपराध जो कि बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों अपराध के बढ़ने का सबसे बड़ा वजह है सोशल मीडिया, और दूसरा वजह कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वह है बेरोजगारी। दोस्तों लोगों के पास बेरोजगारी है, कम उम्र के लौंडों को ये लगता है कि भाई अगर हम आपराधिक काम करेंगे हमारा नाम बढ़ेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकी देना, लोगों से रंगदारी वसूलना या फिर अपना दादागिरी दिखाना, यही सब हरकत आज के समय में लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्राइम करा जाता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर जैसे जितना भी क्राइटेरिया है उसको टाइट करा जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट करा जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं आखिरकार पंजाब पुलिस जो कि करती क्या है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरीके से गैंगस्टर गोल्डी बरार को अमेरिका में बताया जाता है अरेस्ट कर लिया जा चुका है, और दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दुश्मन है वो लोग जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया जाता है कि पंजाब पुलिस ने 35 करोड़ का ड्रग्स बरामद करा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कभी भी गलत काम करने के बारे में मत सोचना। यदि आपराधिक काम करोगे तो जेल जाओगे भाई, अच्छे तरीके से जेल में हवा लगाना, जिंदगी झंड हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह का हरकत करो। नीचे आपको वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा देना, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, और कभी भी गलत काम नहीं करने का मेरे भाई।